हम पास्ता बना रहे हैं और मकरोनी से ही पास्ता बना दूंगी आज मैं। जो आज मेरे पास पास्ता अवेलेबल नहीं था तो मकरोनी से भी पास्ता बन जाता है। व्हाइट एंड रेड मिक्स सॉस पास्ता बनाएंगे हम, जो बहुत इजी और बहुत अच्छी रेसिपी है बच्चों के लिए। बच्चे क्या बड़े भी पसंद करते हैं, उसको हम बनाने जा रहे हैं। मैंने एक पैन के अंदर पानी बॉयल होने रख दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, करीब मैंने 1 1/2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल दिया। 1 चम्मच मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगी। पानी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया। ये मैंने मकरोनी लिया, करीब 250 ग्राम जितनी मकरोनी है। इसको आप पास्ता में भी बना सकते हैं, मकरोनी से भी बना सकते हैं। बॉयल करने का ये 8 मिनट तक करीब बॉयल हो जाएंगी। पास्ता को 9 से 10 मिनट लग जाते हैं, 1 से 2 मिनट इसको कम लगते हैं। थोड़ा सा मतलब देखते हुए उबालना है कि ज़्यादा ना बॉयल हो जाए। इस तरीके से करते हुए इसको हिला देंगे और इसको बॉयल करने के लिए छोड़ देते हैं। एग्जैक्ट 7 to 8 मिनट्स में हम इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। यही सबसे ज़्यादा इसका प्रोसेस है देखने के लिए कि इसको ज़्यादा बोलने में टाइम नहीं लगता। 7 to 8 मिनट्स में ही रेडी हो जाएगा। इसको वेट करते हैं, पास्ता चेक कर लेते हैं। करीब 7 मिनट हो गए हैं। टाइम का ध्यान रखिएगा, 7 to 8 मिनट्स में हो जाता है। ये देखिए हो चुका है। इसको आराम से फोक की हेल्प से आप काट के देखिए, कट रहा है, इसको हो चुका है। अब इसको गैस को बंद कर लेते हैं और इसको ड्रेन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ड्रेन कर लिया, ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश वाटर भी डाल के मैंने इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लिया। ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि अभी भी चिपक रहा है, तो इसके अंदर सबसे अच्छा ये है थोड़ा सा स्पून पे इस तरीके से ऑयल लगा के, ये देखिए बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। इस तरीके से करते इसको अलग अलग कर देंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। इस तरीके से करते हुए चला देंगे। पैन रख लिया है, गैस ऑन कर दिया। अब इसके अंदर मैं बटर डाल देती हूँ। बटर जब मेरा मेल्ट हो जाएगा, एक मिनट वेट करते हैं हम। थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं इसके अंदर, 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला मैंने, ज़्यादा नहीं डाला। बटर और दोनों मेल्ट हो जाएंगे। ऑयल बटर गरम हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच भर के ये हमने गार्लिक डाल दिया है, बहुत फ्रेशली और बहुत बारीक मैंने काटा है इसको। क्रश कर, अगर आपसे नहीं हो तो आप क्रश भी कर सकते हैं। इसको कर लेंगे हमें। ये देखिए, अब इसमें मैं ओनियन जो मैंने रफली शेल्स निकाल लिए हैं, रफली मैंने काट लिया था उसको, उसके शेल्स में अलग अलग मैंने उसको कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से करते हुए हिला देंगे इसको 1 से 2 मिनट। इसी स्टेज पे हम कैप्सिकम डाल दिया। आज मेरे पास बेल पेपर नहीं है तो मैंने खाली कैप्सिकम डाली है। अगर आपके पास बेल पेपर है तो बेल पेपर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से करते हुए सोते कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट ही करेंगे। बॉइल्ड कॉर्न भी है, मैंने ये भी डाल लिया है, करीब 1 से 2 चम्मच जितना बड़ी। इसको सबको हम सोते कर लेते हैं अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 मिनट। बहुत टेस्टी बनता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत जल्दी भी बनेगा, 10 से 15 मिनट में बन जाएगा। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, सोते हो गई हैं ये। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वाइट पेपर डालूंगी थोड़ा सा, 1/2 टेबल जितना वाइट पेपर डाला है मैंने। मिक्स हर्ब डाल लेंगे, ये भी मैंने 1/2 टेबल स्पून जितना डाला है। इनको सबको हम मिक्स कर लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरीके से करते हुए हमने मिक्स कर लिया। बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। शेजवान सॉस है, इसको मैं करीब 4 टेबल स्पून जितना डालूंगी। मेरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। शेजवान सॉस डाल लिया हमने 4 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जितना टमाटो केचप मैं डाल रही हूँ। इसको सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चलाते हुए गैस को सिम रखेंगे, गैस को तेज़ नहीं करनी। अब इसके बाद मैं इसमें मैक्रोनी डाल देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल एक एक अलग अलग पीस है, इसको हम मिला लेते हैं। अब रेसिपी को अच्छा बनाने के लिए पूरा देखिएगा। अभी मैंने नमक का यूज़ नहीं किया है। अभी पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के मिला लें, फिर हम नमक डालेंगे। नमक इसमें सबसे लास्ट में डलेगा। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें ब्लेंड चीज़, करीब 4 टेबल स्पून जितना ये ब्लेंड चीज़ डाल रही हूँ मैं। आपके पास ये नहीं हो
तो आप चीज स्लाइस भी डाल सकते हैं, जो भी हो अवेलेबल हो उसको ये आप डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए। इसको भी मिक्स करके इसमें हम सबसे जरूरी जो इंग्रेडिएंट है वो मैं दिखा रही हूँ। एक कप जितना मैंने वो मिल्क लिया मेरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, इसको इस तरीके से करते हुए स्प्रेड करते हुए ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हाफ डाला है मैंने, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। इस स्टेज पे थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी डाल लेंगे। शेजवान को आप कम करके थोड़ा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। ये भी करीब मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जितना डाल दिया क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। इसको भी मिक्स कर लेते हैं, गैस को सिम ही रखेंगे इस तरीके से करते हुए। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखो कितना चीज़ी बना है। इसको और चीज़ी बनाने के लिए थोड़ी सी मेयोनीज़ और डाल देंगे हम, किसी भी कंपनी की थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल देंगे और चीज़ी बनेगा इससे। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बनके रेडी हो गई है, बहुत जल्दी बन जाती है। अब इस स्टेज पे अब हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। मैं 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि हमने बॉइल्ड होते टाइम भी डाला है इसलिए ध्यान से डालिएगा कि ज़्यादा ना हो जाए। बॉइल्ड में भी हमने सॉल्ट डाला था। ये देखिए कितनी चीज़ी बन के रेडी हुई है। ये देखिए बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बनने वाली रेसिपी है। गैस बंद कर दूंगी, अब सर्व करते हैं। चीज़ी पास्ता बन के रेडी है, रेड एंड वाइट सॉस में प्रिपेयर हुआ। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे यहाँ अवेलेबल ही होते हैं, इसके लिए कोई आपको वाइट सॉस बनाने की रेडी ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब रेडीमेड सामान ही जो हमारे घर में अवेलेबल होता है उससे बनाइए। इस रेसिपी से बना के एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा बना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।